भारत में सदियों से हमने केवल बुद्धों के जन्मदिन मनाए हैं, और बहुत अजीब कारणों से, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्हें पता था कि कोई जन्म और मृत्यु नहीं है, इसलिए हमने उनके जन्म को मनाया है। हमने उनकी मृत्यु को भी मनाया है, लेकिन जहाँ तक साधारण मानव जीवन का संबंध है, भारत में कोई भी अपने जन्मदिन को याद तक नहीं रखता। हर कोई अपने जन्मदिन को जन्म मानता है। ये विचार पश्चिम से आया है, भारत से नहीं। ऐसा कुछ भी जीवन में महत्वपूर्ण नहीं हुआ है जो उत्सव मनाने योग्य हो। जब तक कि तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम अपने जन्म से पहले मौजूद थे, तब तक तुम्हारा जन्मदिन का कोई मूल्य नहीं है। जब तक तुम्हें ये पता नहीं चलता कि तुम अपनी मृत्यु के बाद भी रहोगे, तुम्हारे मृत्यु का भी कोई मूल्य नहीं है। हम भगवान कृष्ण के जन्मदिन और बुद्ध के जन्मदिन का जश्न मनाते हैं, और बेशक जिस दिन वह इस दुनिया से चले गए, हमने उस दिन का भी जश्न मनाया है। लेकिन सामान्यतः कोई भी अपने जन्मदिन का जश्न नहीं मनाता। ये बीमारी पश्चिम से आई है, लेकिन अब ये बीमारी भारत में भी फैल चुकी है। जो शिक्षित वर्ग है, वो अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करने लगे हैं। ये अनुसरण है और मूर्खतापूर्ण है। और अब तो हम हैलोवीन भी मनाने लगे हैं बिना उसके अर्थ को समझे। आज की दुनिया में जिसको हम सेलिब्रेशन कहते हैं, उसके नाम पर हम अपने आप को जितना बेहोश कर सकते हैं करते हैं। हमें असली उत्सव का अर्थ नहीं पता। केवल जब तुम समय से परे कुछ जान जाते हो, तब जाकर तुम्हारे पास अर्थ होता है। और ये अर्थ तब आता है जब तुम्हारे जीवन में प्रेम घटता है। जीवन का सच्चा उत्सव केवल बाहरी उपलक्ष्यों में नहीं है, बल्कि उस गहराई में है जहाँ हम समय और अस्तित्व की सीमाओं से परे अपने आप को पाते हैं। हर उत्सव तुम्हें अपने होने की याद दिलाए, तुम्हें भुलाए नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार की ओर लेकर जाए। हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम। जीवन अपने आप में एक उत्सव है, इसका जश्न मनाओ, हंसो, खेलो और ध्यान दो। प्रणाम।